फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध बचा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो मैं बिल्कुल खाली दूध की चाय रख दी हूँ, बिल्कुल पानी नहीं डाली हूँ क्योंकि दूध भी यूज़ करना है, तो इसी में पत्ती डाल के पी लेंगे। और एक तरफ मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मुझे जाना है स्कूल और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर देखिए, दही जमाई थी रात को, बस इसी में मैंने 4 चम्मच डाल दी हूँ दही। और उसके बाद 2 चम्मच ही बेसन था, बेसन एकदम ख़त्म होने वाला है तो मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया। उसके बाद अच्छी तरह से इसको पानी मिला के फेंट लूँगी, मतलब जितना फेंटेंगे ना उतनी कढ़ी अच्छी बनेगी, एकदम हल्का हो जाए बेसन। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा इसी से मतलब ब्लेंडर से फेंट लूँगी जल्दी जल्दी। और इस साथ में मैंने हल्दी भी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया है, मसाले मतलब जो मुझे डालने थे। और यहाँ पर एक तरफ मैं सत्तू का पराठा बना रही हूँ, तो सत्तू ले लिया, उस पर प्याज काट दिया है, अदरक काट दिया है और हरी मिर्च काट दिया है, और धनिया है तो धनिया का पत्ता भी काट दो। इस पर नमक डाल के फिर अचार का तेल डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, एकदम चटपटा पराठा बनता है और इसकी जो फीलिंग होती है ना वो गिरती भी नहीं है, मतलब बाइंडिंग हो जाती है सत्तू की। तो यहाँ पर कढ़ी मेरी जो है वो उबलने लगी है और एक तरफ मेरे सत्तू के जो पराठे हैं गर्मा गर्म वो भी तैयार हो गए हैं। तो मेरे पास जो 2 चम्मच दही बची थी उसकी मैं लस्सी बना लेती हूँ और पानी डाल के मतलब बहुत सारा फेंट के काला जीरा और सॉरी काला नमक और भुना जीरा डाल के इसको फ्रिज में रख दूंगी, जब आऊँगी दोपहर को तब पीऊँगी। चलो चलो जल्दी। तो यहाँ पर श्रेया ने फोन किया, भाई मैं डर गई और हमारे स्कूल में फोन अभी अलाउड नहीं है तो मैं ले भी नहीं जा रही हूँ। तो श्रेया का फोन किसी और टीचर के फोन पे आया और इत्तेफाक से वो टीचर फोन ले आई थी, वरना तो मेरे को पता भी नहीं चलता कि मम्मी जल्दी से आओ, बूस्टर डोज लगवाना है, पापा का फोन आया था लग रही है। तो मैं भाग के आ गई स्कूल में से, देखिए बीच में ही आई हूँ, अभी 12 ही बज रहे हैं और स्कूल में मैंने काम जो था मेरा करवा दिया था, मतलब दूसरे टीचर को मैं सौंप के फटाफट भाग के आई हूँ। तो चलिए चलते हैं बूस्टर डोज लगवाने। ओहो, और यही इंजेक्शन लगा रहे हैं श्रेया को। है अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा में हम लोग गए थे, उसमें कार्डियक वाले वहाँ गए थे, तो जाके थोड़ा यादें पुरानी श्रेया के साथ ही हो जाती है। हाँ जी, ओके तो यहाँ पर हम दोनों को बूस्टर डोज लग चुकी है और ना मेरे हॉस्पिटल के सर, मेरे डिपार्टमेंट के एक्चुअली असल में ना श्रेया के डिपार्टमेंट के सर मिल गए थे, तो श्रेया खूब सारी उनसे बातें करने लगी और बहुत अच्छा लगा। हमें तो पता ही नहीं था डॉक्टर साहब को मतलब अंदर कौन है, हमें पता ही नहीं था, ये सरप्राइज था हमारे लिए। मुझे बहुत मिस करते हैं। और हाँ, और कहीं श्रेया का, कहीं श्रेया के पापा का, कहीं श्रेया की मम्मी का, हमारा बोलबाला पूरे हिसार में, हमारा बोलबाला पूरे हिसार में है, और मतलब भाई का वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में है। हम परिवार वाले ना हर जगह अपना टुकड़ा रखते हैं। तो अब हमें बूस्टर डोज भी लग चुकी है और अब हम बिल्कुल नहीं पता चला, हमें ऐसे लग रहा है कि हम बिल्कुल सेफ हैं अब। हाँ, सेफ है, अमर हो गए क्या, कोविड बढ़ भी रहा है, अमर हो गए क्या। श्रेया को तो जाना था, इसको तो लगवानी थी, मतलब वो देखो मतलब मैं बूस्टर डोज लगवा के मतलब निकली, मेरी स्कूल की बच्ची मिल गई। और ये देखो 2 दिन स्कूल लगते हो गया, अब मंडे को स्कूल लग जाएगी तब वो पता है क्या चार्ट बनवा के लेके जाएगी, चार्ट बनाएगी अपना, ऐसे होते हैं बच्चे, हम भी बच्चे रह चुके हैं, हमें पता है। तो मम्मी हो गई है फाइनली रेडी गुंजन मैम के बर्थडे पे जाने के लिए। गुंजन मैम का बर्थडे है तो आप सभी लोग मैम को विश कीजिएगा। और अब मैं जा रही हूँ, मैं कार्ड वगैरह अपने लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे पेट्रोल ना स्कूटी में बिल्कुल मेरे पेट्रोल नहीं है, तो फिर मैं जाने से पहले वही भरवा लूंगी फिर निकलूंगी। और आज मैंने सारा ब्लैक ब्लैक, आज भी मुझे पता नहीं ब्लैक कलर कुछ ज्यादा ही पसंद है ना, ब्लैक ब्लैक ही। तो मैं चलती हूँ, मैं और ममता मैम, रिबू राविया, हम सब इकट्ठे होते हैं सारे फ्रेंड्स और मैम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक चाकू भी चाहिए।
तो यहाँ पर बस वैक्सीन लगवाने के बाद यहाँ पर तैयार होके तुरंत ही मैं निकल गई थी, क्योंकि गुंजन मैम का बर्थडे था तो यहाँ भी आना ज़रूरी था, तो शाम को हम यहाँ चले आए थे। और यहाँ पर देखिए सब लोग हंसी खुशी सेम गुंजन मैम का बर्थडे मना रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से हम लोग मिलते हैं तो सब भूल जाते हैं, हम खुद बच्चे बन जाते हैं। और सबके अंदर मैं तो कहती हूँ कहीं ना कहीं बचपना जो अपना है वो ज़िंदा रखना तो चाहिए। आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ। तो आज जैसे आप लोगों को पता है कि मैं मिस्टर एंड मिसेस चौधरी का व्लॉग देखती हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मुझे उनका व्लॉग्स बहुत पसंद है। तो आज के उनके व्लॉग में उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जब आप अपने फैमिली से इतने फ्रैंक हो जाते हैं ना कि उनको दोस्त बना लेते हो, तो आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सब आप अपने फैमिली से डिस्कस करते हो। और उन्होंने ये चीज़ कहा कि जो लोग अपनी फैमिली से अटैच नहीं होते, एक बार खुल के देखो उनके साथ, आपको किसी फ्रेंड की कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आपके लिए आपकी फैमिली आपकी फ्रेंडों की सब होगी। और ये चीज़ मैं खुद बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तक आप अपनी फैमिली के साथ नहीं घुलोगे मिलोगे तब तक मतलब आप ना बहुत ज़्यादा हर्ट ही रहोगे। अगर आप अपनी फैमिली से सब कुछ डिस्कस करते हो, फ्रैंक रहते हो, तो आपको ना दुनिया से कोई कुछ मतलब नहीं कि दुनिया आपको कुछ भी बोले कुछ भी करे। आपके लिए ये होगा कि आपकी फैमिली खड़ी हमेशा आपके सपोर्ट में, आपकी फैमिली आपको प्यार करती है, आप जैसे हो वैसे हो, और आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो देखती है। तो और मेरे एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, जनरली इस ग्रुप के 20s वाले जो होते हैं ना, हर किसी को फ्रेंड ग्रुप चाहिए, हर किसी को फ्रेंड्स ट्रिप पे जाना है, हर किसी को मतलब कॉलेज लाइफ जीनी है। और मतलब मैं भगवान का शुक्रगुजार मनाती हूँ कि मुझे इस उम्र में ना लिटरली भगवान ने अक्ल दे दी थी इतनी जल्दी कि मेरे को मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव है, और मैं मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा ओपन भी हूँ, मैं अपनी फैमिली से कुछ नहीं छुपाती। तो ये चीज़ मैं आने वाली जनरेशन को भी बोलना चाहती हूँ, फैमिली से हमेशा सब कुछ शेयर करो। और आपकी फैमिली ना अगर आपको मतलब आपकी फैमिली आपको पहली बार कभी जज नहीं करेगी, सीधी सी बात है, आपको कभी नहीं जज करेगी, और आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन भी निकालेगी। स्पेशल एडवाइस फॉर द टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स में मतलब बहुत रोलर कोस्टर लाइफ होती है। बस मैं यही ज्ञान दूंगी आज का, कर रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़। बच्चा लोग दोस्ती यारी में थोड़ा कम, परिवार में थोड़ा ज़्यादा घुलो मिलो। ये एडवाइस है। व्हाट्स योर एडवाइस मम्मी, राइट ड्रो रॉन्ग? यस बिल्कुल राइट, तो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकती। तीन हफ्ते बाद टन 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 तारा। क्या हो गया, क्या हो गया? मेरा 12 बर्थडे है आ रहा। आज एग्जैक्टली 3 हफ्ते बाद है मेरा बर्थडे। इतना बर्थडे को लेकर खुश रहती भगवान, क्यों ना हो यार उसी दिन। तो मेरे को सब लोग बर्थडे भी तो रोज जैसे ही होते हैं। नहीं होता रोज जैसे, उस दिन सिर्फ हम होते हैं, मतलब हर जगह से हमें अटेंशन मिलती है। और वो होता है कि मेरा बर्थडे तो आप लोगों के लिए इतना स्पेशल होना चाहिए। पहली बार मम्मी पापा बने थे आप, पहला बच्चा हूँ मैं आपका, सबसे स्पेशल होता है पहला बच्चा। वो महाशय बोल रहे हैं जिनका खुद का 2 बार बर्थडे आता है साल में, सोचो दोनों बार मनता भी ऐसे इनको पति परमेश्वर मिले हैं कि दोनों बर्थडे मनाते हैं। आपको क्या वैल्यू रहेगी जिसका 1 बार बर्थडे आता है साल में, उनसे पूछो बेचारे कितने परेशान रहते हैं। दोनों ना आज बूस्टर डोज लगवाए हैं और बहुत शाम तक बीमार हो जाएंगे, पर शाम तक कुछ नहीं हुआ। मैं गुंजन मैम की पार्टी में भी चली गई और आप आके वहां से मैं खुद खा के आई थी, मतलब वहां पे पेट भरा था। तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, बस अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया दूध का और अपने पांडे जी को खिला दिया। और श्रेया कह रही है श्रेया ने लंच छोड़ रखा है, मतलब डिनर छोड़ रखा है पतला होने के लिए, पर पतली नहीं। नहीं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना खाना ना 5-6 बजे तक खा लूँ, क्योंकि मैं 10 बजे खाती हूँ अपना खाना, सुबह 9-10 बजे खा लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी 15-16 आवर्स फास्टिंग रहे, उसके बीच में मैं जो खाना है खा लेती हूँ यार। और खाने से मैं थोड़ी भाग सकती हूँ, खाने से मैं कैसे भाग सकती, भागा दौड़ी होगी वैसे सारा वजन जो है ना घट जाएगा, इसलिए मैं वजन की इतनी चिंता नहीं करती, मुझे पता है मैं कभी ना कभी पतली हो ही जाऊंगी। तो हर ब्लॉग में वजन वजन घटती रहती है क्या, मतलब मुझे लोग बोलते हैं बहुत वजन के लिए, तो फिर ना मेरे दिमाग में सब कॉन्शियसली वो चीज ना घुस चुकी है, वजन वजन वजन, इसलिए मैं अपनी हर प्रॉब्लम को ना अपने वजन से कंपेयर करने लगती हूँ, जो कि गलत है, आई नो दैट। तो आज का क्वेश्चन ये है कि हम माँ बेटी ने आज कौन सी डोज लगवाई थी। तो जल्दी से कमेंट डाउन बिलो करिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।